हेलो व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली वेल। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ अपने न्यू एक्शन कैमरा की। तो चलिए करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं बॉक्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा एक्शन कैमरा। इसी के साथ साथ मैंने एक माइक भी परचेज किया है जो कि SGCAM की तरफ से ही है। और ये रहा मेरा हेलमेट जिसके साथ मैं एक्शन कैमरा को माउंट करूँगा। तो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है और पढ़ते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन को। 30 मीटर तक ये वाटर रेजिस्टेंट है विद केसिंग और ड्यूल स्क्रीन के साथ आता है। जायरो भी सपोर्ट करता है और 4K की इसमें बताया हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये 4K रिकॉर्ड करता होगा। और विद वाईफाई आता है। तो चलिए देखते हैं बॉक्स के वेबसाइट क्या क्या लिखा हुआ है। तो इमेज सेंसर 16 मेगापिक्सल का पैनासोनिक का सेंसर लगा हुआ है इसमें और 166 वाइड एंगल लेंस है। तो चलिए खोलते हैं बॉक्स को, देखते हैं क्या क्या मिलता है और क्या क्या एक्सेसरीज इसके साथ मिलती हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग करी हुई है, काफ़ी अच्छा बॉक्स है इसका। करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं। तो फ्रेंड फाइनली ये रहा हमारा कैमरा जो फ्रंट में है सबसे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा एक्शन कैमरा जो कि विद केसिंग है। इसकी केसिंग को निकाल के मैं ऑन करता हूँ इसको। काफ़ी सॉलिड केसिंग है। तो फ्रेंड्स ये खुल चुकी है, काफ़ी टाइट होती है, एयर प्रूफ होती है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा एक्शन कैमरा, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सॉलिड है और इसकी फिनिश जैसे रबर टाइप की है। तो करते हैं इसको ऑन। सो वीडियो क्वालिटी एज गुड अच्छी है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये 4K में रिकॉर्ड कर पाएगा। तो चलिए करते हैं इसको साइड और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। तो सबसे पहले एक कॉटन क्लॉथ है इसके लेंस साफ करने के लिए, इसको देखते हैं साइड में। और ये कुछ और केसिंग है ओपन के लिए। और ये इसकी अलग स्क्रीन है विद टच है, जो ये दूसरी केसिंग आती है इसको आप टच नहीं कर सकते। आई मीन टू से टच स्क्रीन नहीं होती है ये, बट इसमें वाटर रेजिस्टेंस कम होती है। ये 3 मीटर तक होती है और ये 30 मीटर तक वाटर प्रूफ होती है। चलिए करते हैं साइड। ये इसका कैप है और इसके साथ साथ ये रही ड्यूअल साइडेड 3mm की टेप और ये एक चार्जिंग केबल, अच्छी क्वालिटी की चार्जिंग केबल थी। इसी के साथ साथ कुछ माउंट दिए हैं, काफ़ी सारे हैं, कुछ तो नहीं है। हेलमेट के लिए तो माउंट है और फ्लैट माउंट है, तो मेरे लिए तो साइड। और ये साइकिल माउंट, साइकिल में अगर एक्शन कैमरा फिट करना हो इसके लिए, तो ये रोटेटेबल होते हैं ये वाला। और ये कुछ अलग माउंट हैं और ये इसके नट और बोल्ट आइटम यही है। तो चलिए देखते हैं इसके माइक को ओपन करते हैं और देखते हैं माइक की क्वालिटी कैसी है। तो फ्रेंड्स ये रहा SGCAM की तरफ से माइक जो इसकी आईफोन कॉस्ट है 1700 रुपीज़। तो इसकी केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये एक्चुअली मैंने मोटो ब्लॉगिंग के लिए लिया है क्योंकि इंटरनल माइक के साथ मिड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती है, तो एक्सटर्नल माइक बाय करना ही पड़ा मुझे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल है और काफ़ी लंबी है। काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ये ऑलमोस्ट 1 मीटर के करीब केबल है इसकी। तो चलिए करते हैं इसको साइड, बाद में इसका भी रिव्यू करेंगे कि कैसा माइक है और कैसा कैमरा। नीचे साइड इसकी बैटरी है और ये रिमूवेबल बैटरी के साथ 1000 mAh की बैटरी के साथ आती है। आपको मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना है और इसी के साथ साथ कमेंट भी करना है क्योंकि आपके कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और शेयर भी करना है फैमिली के और फ्रेंड के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।